नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन दवा बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नेमा कॉम्बिनेशन, दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी बीमारियां में ये कॉम्बिनेशन उपयोग आ सकती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी भी कारण से अगर सर्दी हो गई है तब भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नीमा, एन फॉर एनेट्रम मयूर, ई फॉर एपेटोरियम पर्प, एम फॉर मर्गसोल, ए फॉर एगोनाइट। तो ये चार इस नीमा कॉम्बिनेशन में मिली हुई है। सबसे पहले हम नेट्रम मयूर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेट्रम मयूर आपको 30 CH पोटेंसी में आपको यूज करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, एलर्जी है, छींके आती है, बार बार पानी जैसा निकलता है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन है यूपेटोरियम पर्प। दोस्तों, इसको भी 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। इस कॉम्बिनेशन में बुखार को उतरने में मदद मिलती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है मर्गसोल। ये भी आपको 30 CH पोटेंसी में लेकर आना है। ये दवा इन्फ्लेमेशन को भी काम करती है, इन्फेक्शन को ये ठीक करती है और खांसी को भी ठीक करती है। दोस्तों, लास्ट में एगोनाइट 30 CH पोटेंसी में लेकर आना है। अगर आपको ठंड लग गई है तो आप ये दवा लें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये चार मेडिसिन अगर आप मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन बन जाता है। आप चाहें तो अलग अलग करके दवा ले सकते हैं। आप चारों दवा में 20-20 ml की एक शीशी में डाल दें और उसे मिला लें। 20 ml नेट्रम मयूर, 20 ml एपोटोरियम पर्प, 20 ml मर्गसोल और 20 ml एकोनाइट को अच्छी एक बोतल में डाल लें और मिला लें। 100 ml की बोतल लें, ड्रॉपर वाली शीशी होनी चाहिए। आप यह दवा 1 महीने तक ले सकते हैं। और जो भी बीमारी जैसे खांसी, सर दर्द इत्यादि, ये दवा दिन में 3 बार लेना है, 2 ड्रॉप। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई यह दवा अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।